राजधानी दिल्ली कांग्रेस पार्टी के महासचिवों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उत्तराखंड में आई आपदा की समीक्षा के साथ चुनावी तैयारियों पर प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा हुई। ये बैठक सदस्यता अभियान, महंगाई के मुद्दे पर शुरू होने वाले जन जागरण अभियान और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इसके अलावा इस बैठक में लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी और नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नसीहत देते हुए कहा कि देश से जुड़े अहम मुद्दों पर कांग्रेस रोज बयान जारी करती है, लेकिन मेरा अनुभव है कि वो जमीनी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचता है। नीतिगत मुद्दों पर राज्य स्तर के नेताओं में उन्हें वैचारिक स्पष्टता और एकजुटता की कमी और दिखती है। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी आरएसएस की विद्वेषपूर्ण विचारधारा का मुकाबला करना है। हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए।